चलो स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन जैसे मैंने क्या बोला था, जनरली जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होता है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें कुछ एक्सेप्शन थे जो मैंने बताया था। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप रिएक्शन होती है वो, जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये कैसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे अगर एक बीकर में आप इंक ड्रॉप डालते हो, वो भी कह रहा है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वहां पे इंक ड्रॉप आपका फैल जाएगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है एंट्रोपी। अब मेन कंसेप्ट आता है एंट्रोपी का। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है एंट्रोपी। आज कोशिश करेंगे खत्म करने की। एंट्रोपी देखो क्या होता है, मान के चलो आपका एंट्रोपी हो तो क्या देखा है। अब देखो जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपने पेट्रोल यूज किया, पेट्रोल को वर्क में कन्वर्ट किया, कुछ धुआं वहां से रिमूव हो ना, करेक्ट। वहां से जो धुआं रिमूव हो जाता है वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। बट जब हम लोग बाइक चला रहे या कार चला रहे, तो जो धुआं निकलता है वो वेस्टेज ही होता है ना। वो जो तो धुए को फिर से यूज करो और कार चलाओ, कार चला के दिखाओ मुझे, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये धुआं निकल गया, एक एनर्जी निकल गई ना, ये क्या होती है आपकी एंट्रोपी। ये क्या रहेगा आपका एंट्रोपी, ओके। अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। मैं इसको बोल सकता हूँ एंट्रोपी इज नथिंग बट द रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस। ये क्या होता है आपका एंट्रोपी, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ये क्या होता है आपका एंट्रोपी, ओके। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं एंट्रोपी का। देखो होता क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ये क्या होता है आपका एंट्रोपी। मोर इज द डिसऑर्डर, मोर इज द एंट्रोपी। जितना ज्यादा आपका रैंडमनेस रहेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड है, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज रहेंगे। ये आपका सॉलिड है, ये क्या हमारा सॉलिड। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक रहेंगे। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोज रहेंगे, पैक्ड रहेंगे, ओके। अब देखो होता क्या है, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड में थोड़े से मॉलिक्यूल आपके दूर चलेगा। अब लिक्विड में मॉलिक्यूल भागेंगे ना इधर उधर, तो लिक्विड में क्या हो गया, डिसऑर्डर बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑर्डर बढ़ गया, डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ ना, मतलब मॉलिक्यूल प्रॉपर ऑर्डर में है ही नहीं। आ रहा है वॉइस, आ रहा है शुभम, आ रहा है आपको आवाज, आ रहा है ना सर? अटक रहा है थोड़ा, एक मिनट आएगा आएगा वो। हाँ सर, अटक क्या आवाज, अटक रहा है क्या, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अब देखो चेक करो, आ रहा है आवाज? यस सर ओके, आ रहा है ना। हाँ चलो नो नेक्स्ट। अब देखो अगर सॉलिड को आप गैस लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, उसमें ऑर्डर नहीं होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, डिसऑर्डर आ गया, मतलब इसका एंट्रोपी क्या हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज। लिक्विड में क्या हो गया आपका, एंट्रोपी इंक्रीज हुआ, एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करोगे, अपने आप तो होगा नहीं, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये क्या हो गया टेम्परेचर। तो गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे। गैस में आपके मॉलिक्यूल्स कैसे दूर दूर, तो इसमें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर आएगा ना। यहाँ पे क्या हो गया,
मोर डिसऑर्डर और रैंडमनेस, मोर डिसऑर्डर और रैंडमनेस, मोर रैंडमनेस, जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, सो देयरफॉर एंट्रोपी इज मोर, एंट्रोपी इज ऑल्सो मोर। जैसे आप सॉलिड टू गैस जाओगे तो एंट्रोपी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ते जाता है। मोस्टली जो आपके प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं ना, जो भी आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसका एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होते ही जाता है कंटिन्यूअसली। जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे इरिवर्सिबल उनका एंट्रोपी बढ़ते जाता है, उनका एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ते जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉलिड में बिल्कुल एंट्रोपी कम होगा, सॉलिड लिक्विड में जाएगा एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे एंट्रोपी बढ़ जाएगा। ओके नाउ अब देखो एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड रहेगा, मतलब डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड रहेगा उसको क्या बोला जाता है, स्टेट फंक्शन। और आपका एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, इसका पहला पॉइंट हुआ, एंट्रोपी क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था शायद ना, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंट्रोपी क्या होता है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड रहेगा। देखो एक्चुअल में होता कैसे, आपके पास एक रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट का कुछ एंट्रोपी होगा और प्रोडक्ट का कुछ एंट्रोपी होगा ना, करेक्ट। रिएक्टेंट का एंट्रोपी रहेगा एस आर, मैंने बोला एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस, एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है एस, एस इज द एंट्रोपी, एस का मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट और ये एस पी का मतलब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट। एस पी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो जनरली होता है अगर हमें एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है तो डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज, ये क्या रहेगा आपका एंट्रोपी चेंज। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा आपका, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नो नेक्स्ट, हाँ आयुष बोलो। आवाज आ रहा है ना सबको, कमेंट करो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। लैग हो रहा है क्या, थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है मुझे अभी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखना, इफ डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, अभी आवाज आ रहा है, चेक करो एक बार आयुष, इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जब आपके रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ जाता है तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे बलून को होल गिरा दो,
उसमें से जो एयर रहेगा अपने आप चला जाएगा, ये क्या रहेगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बलून को होल गिरा दिया उसमें जो अंदर एयर था वो अपने आप निकल जाएगा, ये क्या रहेगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाउ यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के यूनिट देखो क्या होता है, इसको हम अर्ग के इनवर्स और जूल के इनवर्स और कैलोरी के इनवर्स में लिख सकते हैं, इसको जूल के इनवर्स कैलोरी के इनवर्स में हम लिख सकते हैं, इसको जूल के इनवर्स और कैलोरी के इनवर्स में आप लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ एंट्रोपी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ डेल्टा एस इज जीरो, अगर डेल्टा एस जीरो रहेगा, इफ डेल्टा एस इज जीरो देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज, देन रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसो एंट्रोपिक रिएक्शन। आइसो का मतलब सेम, एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी, आइसो एंट्रोपिक रिएक्शन, देन रिएक्शन इज सेड टू बी आइसो एंट्रोपिक। अगर डेल्टा एस जीरो हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, आइसो एंट्रोपिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जो आपके एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू होता है आपका जीरो, इसमें जो डी क्यू क्या रहेगा जीरो। डी क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन हीट, अगर हीट जीरो हो जाएगा, अगर हीट ही चेंज नहीं होगा तो आपको, सो देयरफॉर डेल्टा एस बी और डी एस बी क्या हो जाता है जीरो, डी एस का मतलब एंट्रोपी, ये आपका एंट्रोपी क्या हो जाएगा जीरो, एंट्रोपी जीरो। अगर आपके सिस्टम में हीट चेंज हुआ ही नहीं तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है जीरो, उसका एंट्रोपी क्या होगा जीरो। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। यूनिवर्स का जो एंट्रोपी रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर, सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी मिला के क्या रहेगा आपका, यूनिवर्स का एंट्रोपी, वो क्या रहेगा आपका, यूनिवर्स का एंट्रोपी। तो इसको कॉपी कर लो, अब देखो आपका एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब आपका एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो आपके रिएक्शन क्या रहेंगे, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल्टा एस जीरो हो जाता है देन आपके रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल। तो इस केस में आपका रिएक्शन क्या रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर डेल्टा एस जीरो रहेगा तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपका डेल्टा एस क्या रहेगा, जीरो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपका डेल्टा एस क्या रहेगा, जीरो। और ये किसके लिए होते हैं, फॉर आइसो और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये किसके लिए रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहेगा। ओके, ये आपका किसके लिए रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, पहला एग्जाम्पल है हीट फ्लो, है ना, हीट फ्लो कैसा होता है बताओ, हीट फ्लो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कभी होता है क्या, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, नहीं। तो ये क्या रहेगा आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या रहेगा आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड आता है, सेकेंड रहेगा फ्लो ऑफ वाटर, सेकेंड क्या रहेगा, फ्लो ऑफ वाटर। वाटर कैसे फ्लो होता है, हाई एम्पलीट्यूड टू लो एम्पलीट्यूड, वाटर कैसे फ्लो होता है, हाई एम्पलीट्यूड टू लो एम्पलीट्यूड। थर्ड एग्जांपल आएगा आपका डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस कैसे डिफ्यूज होता है,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये कैसा जाता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नो। अगर एग्जांपल देना रहा तो मैं इलेक्ट्रिक करंट का भी दे सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल, करेक्ट, सही है ना? तो ये सारे क्या हो गए आपके? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या रहेंगे? हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, तो इसमें एंट्रोपी आपका बढ़ते जाता है, इसमें एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ते जाते। अब देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? हीट। क्यू क्या रहेगा आपका? हीट। और टी क्या रहेगा आपका? टेम्परेचर। क्यू क्या रहेगा? हीट। और आपका क्या रहेगा? ये टेम्परेचर। ओके, ये रहता है आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। ये क्या रहेगा? एंट्रोपी का फॉर्मूला। अब देखो सॉलिड को अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो लिक्विड बनेगा, तो लिक्विड के केस में आपका एंट्रोपी क्या हो गया? इंक्रीज। डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। लिक्विड को टेम्परेचर अगर दे दिया, टी मतलब टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका एंट्रोपी क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस क्या बन जाता है? मोर इन एंट्रोपी। जैसे एंट्रोपी आपका बढ़ते जाएगा, सॉलिड टू गैस जाओगे तो एंट्रोपी आपका बढ़ते जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में देखा है। ओके, हमने स्टार्टिंग में देखा है। अब देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शन, एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शंस। हमें पढ़ना है एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शंस। हम पढ़ेंगे एंट्रोपी इन केमिकल रिएक्शंस। तो पहले यहां पे मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं। डेल्टा एन जी, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये रहेगा आपका डेल्टा एन का फॉर्मूला। जी का मतलब क्या होता है? गैस, गैसियस मोल्स एंड गैसियस रिएक्टेंट। अब देखो इसमें पहला केस क्या आता है? फर्स्ट केस, ए केस रहेगा आपका, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा सो आपके सिस्टम का डेल्टा एस क्या रहेगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बी केस में आपका डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, देन आपका डेल्टा एस क्या रहेगा? नेगेटिव। देन रिएक्शन क्या होगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ थर्ड केस, सी केस में आता है, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो देन रिएक्शन क्या होता है? नो चेंज। डेल्टा एस क्या बन जाएगा? जीरो। सो यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम, या नो चेंज बोल सकते हैं हम, नो चेंज डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो चेंज।
अब ये डेल्टा एनजी हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो डेल्टा एनजी कैसे फाइंड किया जाता है, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेल्टा एनजी को फाइंड करना इजी है बिल्कुल। अब मैं एग्जांपल देता हूँ डेल्टा एनजी वाला। और इसमें पहला एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे रहे मैंने PCl5 ये गैस ले लिया, इसका रिएक्शन क्या हमें मिला, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस मिल गया ये। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट में कितने गैशियस मोल्स है, इसका मोल 1 है और इसका मोल भी 1 है, मतलब प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ गैशियस है, रिएक्टेंट में इसका मोल 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 1, 1 मींस ग्रेटर देन 0 ना, सो देयरफॉर डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियस। ये आपको केमिकल रिएक्शन है पता चले। अगर दूसरा एग्जांपल दिया जाता तो मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सॉलिड है, इसको हीट किया तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 गैस ये मिला, करेक्ट। अब डेल्टा एनजी फाइंड करते हैं। डेल्टा एनजी के लिए बस गैसियस मोल्स लेना पड़ता है, डेल्टा एनजी के लिए आपको बस गैसियस मोल्स लेना पड़ता है, तो फॉर्मूला वही रहेगा डेल्टा एनजी। बताओ कितने मोल्स आएंगे डेल्टा एनजी के, यहाँ पे डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कितने मोल्स आएंगे कमेंट करो फटाफट, प्लस 1 ना, करेक्ट है प्रथमेश, शुभम प्लस 1 करेक्ट, यस सोफिया प्लस 1 आएगा, क्योंकि देखो गैसियस में एक ही आपके पास एक गैस है और रिएक्टेंट तो बिल्कुल 0 है, तो डेल्टा एनजी क्या आएगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू 1, शुभम करेक्ट है, शुभम आयुष कल्याणी सोफिया किरण, ओके। तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आ गया, डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं इसको क्या बोल दूं बताओ, ये क्या रहेगा आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे रहेगा, स्पॉन्टेनियस, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके समझ रही है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डेल्टा एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड आउट डेल्टा एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड आउट डेल्टा एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड आउट डेल्टा एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन आपको ये दिया गया, 2HI gives, ये गैस है 2HI गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, ओके। इसका डेल्टा एस फाइंड करो कितना आता है, वो डेल्टा एनजी के ऊपर डिपेंड रहेगा, पहले आप डेल्टा एनजी फाइंड करोगे। सेकेंड है आपका रिएक्शन ट्वाइस SO3 गैस, आप कमेंट करो ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस। थर्ड रिएक्शन आपको दिया है SO3 गैस प्लस H2O, ये लिक्विड रहेगा, गिव्स H2SO4 लिक्विड। तो सबका डेल्टा एस आपको चेक करना कितना आ रहा है, डेल्टा एस मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है। डेल्टा एस फाइंड करने के लिए हम डेल्टा एनजी फाइंड करेंगे ना पहले, तो पहले रिएक्शन का डेल्टा एनजी फाइंड करके बताओ।
यहाँ पे डेल्टा एन जी फाइंड करते हैं। नहीं यार डेल्टा एन जी देखो क्या होगा, डेल्टा एन जी क्या रहेगा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू प्रोडक्ट में कितना है 2 - 2 0, तो इसका डेल्टा एस क्या आ गया, 0 आ गया ना, करेक्ट 0 आ गया इसका डेल्टा एस, हाँ करेक्ट इसका डेल्टा एस क्या आ गया 0। नो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, यहाँ पे एरो सिंगल दे दो, ये चेक करो, चलो ये बताओ डेल्टा एन जी कितना आएगा, ये डेल्टा एन जी कितना होगा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2 + 1 - 3 - 2 कितना आ जाएगा, +1 + 1 मतलब आपका डेल्टा एस क्या रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका डेल्टा एस क्या रहेगा पॉजिटिव, ओके स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस में चेक करो इसका डेल्टा एन जी क्या होगा, लिक्विड को तो हम देखते ही नहीं बिल्कुल, तो एक ही आपका रिएक्टेंट क्या होगा 0 - 1, तो आपका डेल्टा एस क्या आ गया, डेल्टा एस इज -1 मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 आया मतलब नो चेंज, ओके 0 आया मतलब क्या होगा नो चेंज, करेक्ट है, आया सबको आंसर मिला क्या, ये ओके समझे सबको, जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस दिया जाता है ना तो उसमें आपको समझ लेना कि यूनिवर्स इज द सिस्टम, उसमें क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्स सिस्टम काम करेगा, ओके नाउ समझाइए आपको। अब यहां पे हमें पढ़ना है एंट्रोपी चेंज, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन वेरियस प्रोसेसेस, इन वेरियस प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन वेरियस प्रोसेस, तो हमें कुछ प्रोसेस लिखा हुआ, तो यहां पे फॉर्मूला आपको लिखना है, करेक्ट। पहला इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी क्या होना चाहिए, डेल्टा एस क्या रहेगा आपका, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, करेक्ट, डेल्टा एस क्या रहेगा 0, जैसे मान के चलो एग्जांपल है ए का कन्वर्जन बी में हुआ, तो ये प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये माइनस क्यू हीट रिलीज करेगा ना, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल मतलब टोटल 0 हो गया, तो डेल्टा एस क्या रहेगा आपका 0। सेकेंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस क्या रहेगा आपका मोर ना, तो डेल्टा एस यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस उसका एंट्रोपी बढ़ते जाता है, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका एंट्रोपी हमेशा बढ़ते जाएगा। थर्ड आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन बोलेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, ओके। अब इस केस में देखो क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला देखो याद क्या रखोगे, इसके लिए फॉर्मूला है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मतलब आपका डीटी क्या बन जाएगा, डीटी बन जाएगा 0। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, देखो क्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्यू क्या है? देखो वर्क के अकॉर्डिंग क्यू होता है एनआर एल एन वी टू बाई वी वन, ये Q का वैल्यू है, ये W max के कारण हमें पता चला, तो Q का वैल्यू वहां पे रख दो, हमें क्या करना है वहां पे Q का वैल्यू सबमिट करना है, सो देयरफॉर DS इज इक्वल्स टू Q के आपका NRL NRLN V2 by V1 डिवाइडेड बाय T, T तो हमने कांस्टेंट बोला था, तो T को यहां से हटा दो, तो DS क्या बन जाएगा, DS इज इक्वल्स टू NRLN V2 by V1, V1 और V2 क्या होता है आपका, V2 is final volume और V1 क्या होता है initial volume। अगर आपको यहां से natural log हटाना है, ln हटाना है, तो आप क्या करते हो, अगर आप यहां से ln हटाना चाहोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो nr log to the base 10 V2 by V1, ये हमने W max में ऐसा रिलेशन पढ़ा था, nr V2 by V1, करेक्ट, W max में नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको एंट्रोपी के लिए इंपॉर्टेंट है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ओके नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिखना, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. इसका डेरिवेशन नहीं है हमें एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का वगैरह, बस फॉर्मूला लिखना. एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग विच इज इक्वल्स टू माइनस आर समेशन ऑफ एन आई इंटू एल एन एक्स आई. हाँ प्रथमेश बोलो. टी मैंने निकाल क्यों दिया, टी कांस्टेंट था ना आपका, टी मैंने यहां से क्यों हटाया, क्योंकि टी हमारा क्या था, कांस्टेंट था. बोलो प्रथमेश आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट करो. ये जो टी मैंने क्यों यहां से रिमूव कर दिया, क्योंकि टी कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट टर्म को मैंने यहां से निगलेक्ट कर दिया. कांस्टेंट टर्म को हम यहां से निगलेक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते. ओके बिल्कुल ओके. अब देखिए मिक्सिंग में ये होता क्या एक्चुअल में. वैसे शुभम ने जो ग्रुप पे ये डाला था ना वो क्या टेबल, वो अच्छा टेबल था, उसमें बस हम सिंपली याद रख सकते हैं. आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये आपका एन आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. एन आई क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. और ये एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. नहीं मैंने टेम्परेचर को जीरो नहीं पकड़ा है, कांस्टेंट पकड़ा है. मैंने टेम्परेचर जीरो नहीं बोला है, कांस्टेंट पकड़ा है. मैंने टेम्परेचर को जीरो नहीं पकड़ा है, कांस्टेंट पकड़ा है. जीरो पकड़ लेता तो मैं इन्फिनिटी बोल देता. मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे क्या बोला है, कांस्टेंट. मतलब डी टी जीरो कैसे आया, डी टी कैसे जीरो आया आपका, टी वन माइनस टी वन ना, तो ये जीरो बन गया. बट आपका टी वन जीरो नहीं होगा यहाँ पे, बस मैंने कांस्टेंट बोल दिया. टेम्परेचर जीरो नहीं है वहां पे, कांस्टेंट है. चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा. देखो आवाज आ रहा है सबको, ओके नाउ ये हो गया आपका एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग. और कुछ फॉर्मूले प्रोसेस के लिए लिखो. एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस. आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करेगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उसको क्या बोला जाता है, आइडियल गैस. आइडियल गैस के केस में देखो फॉर्मूलाज क्या क्या बनता है. ओके जनरली यहाँ पे दो फॉर्मूला बनते हैं. पहला फॉर्मूला आता है ये, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 2.303 एन सी वी. सी वी का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, लॉग टू द बेस 10 वी टू बाई वी वन. ओके प्लस 2.303 एन आर लॉग टेम्परे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे आप टी वन बाई टी टू कर दो, तो ये सॉरी टी टू बाई टी वन हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. और यहाँ पे आपका बन जाएगा लॉग टू द बेस 10 वी टू बाई वी वन. ये एक फॉर्मूला हुआ, ये आपका एक फॉर्मूला है. ये आपका पहला फॉर्मूला है ओके. और एक सेकेंड फॉर्मूला ये इन टर्म्स ऑफ सीपी वाला फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 2.303 एनसीपी. सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, लॉग टू द बेस 10 पी टू बाई पी वन. प्रेशर है ना, प्रेशर कांस्टेंट है,
तो ये बन जाएगा T2 by T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग टू द बेस 10 P1 by P2। प्रेशर के केस में क्या होता है ये P1 by P2। ओके ये सेकेंड फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला। जो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, फर्स्ट फॉर्मूला में क्या हो गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज वेरिएबल। जो सेकेंड फॉर्मूला इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहेगा आपका, वेरिएबल। ये बिल्कुल प्योरली जेई के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, जेई के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। आपको बोर्ड्स में ये पूछा नहीं जाता बिल्कुल। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, P1 V1 इज इक्वल PV क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, प्रोडक्ट ऑफ PV इज कांस्टेंट। इन आइडियल गैस इक्वेशन जो प्रोडक्ट ऑफ PV होता है वो क्या होता है, जैसे बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, PV क्या हो जाता है, कांस्टेंट ना। अब मैं हर एक सिस्टम के लिए बताता हूं कि आपका एंट्रोपी क्या आएगा। पहला लिखते हैं यहां पे, फर्स्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो दोनों में से कौन से फॉर्मूला में टेम्परेचर दिया है बताओ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, करेक्ट है। ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में बताओ मुझे टेम्परेचर कहां पे दिया है, दोनों में दिया है ना, फर्स्ट और सेकंड में तो दो फॉर्मूले बनेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर वाला टर्म मैं कॉन्स्टेंट कर दूंगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, पहले इसमें क्या बचेगा, 2.303 एनआर लॉग 10 V2 बाय V1, ये पहला फॉर्मूला। और डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाँ, इन आइसोथर्मल प्रोसेस पहला फॉर्मूला ये था, सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या होगा। देखो इसमें देखो टेम्परेचर दिया है सेकेंड फॉर्मूला में, तो इसको हटा दो, 2.303 एनआर क्या बचेगा, log to the base 10 P1 by P2 क्या बचेगा, P1 by P2। तो ये दो फॉर्मूला आते हैं आपके आइसोकोरिक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये दो फॉर्मूला रहेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके ये क्या रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर मैं आपको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलूंगा, सेकेंड लिखो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो वॉल्यूम कौन से फॉर्मूला में था, देखो पहले वाले फॉर्मूला में था वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन से फॉर्मूला में, फर्स्ट फॉर्मूला में वॉल्यूम दिया, देखो तो इस वॉल्यूम वाले टर्म को कांस्टेंट कर देंगे, बचेगा क्या, टेम्परेचर वाला टर्म। तो फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा आपका ये, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टू द बेस राजू मामा का ये का किस नाम है, T2 by T1 एक संख्या। ओके तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक में क्या होता है आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आपको आइसोबारिक प्रोसेस बोला गया तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ, आइसोबारिक में क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर आपका प्रोसेस आइसोबारिक है तो उसमें कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस कमेंट करो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट मतलब जीरो हो जाएगा प्रेशर, तो जो प्रेशर का टाइम है वो निकल जाएगा। हाँ बोलो नीरज, नीरज कोई, नीरज आपने हैंड रेस किया था, डाउट है कोई, आप खुद को अनम्यूट करो, बताओ कोई डाउट है क्या। चलो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, प्रेशर देखो सेकंड फॉर्मूला में था प्रेशर,
देखो नीचे क्या था, जो सेकंड फॉर्मूला था आपको उसमें प्रेशर था, देखो ऊपर जो सेकंड फॉर्मूला उसमें प्रेशर था ना, ये जो प्रेशर वाला टर्म था इसको कांस्टेंट कर दो, उसको जीरो बना दो, तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिखना है। देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टू द बेस 10, क्या बचेगा, सॉरी एन सी पी बनेगा ना, एन सी पी टी टू बाई टी वन, ये फॉर्मूला आपका बचेगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट अबाउट एंट्रोपी, ये क्या रहेगा आपका कंप्लीट अबाउट एंट्रोपी, ये सब कुछ था एंट्रोपी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना उसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, इसको कॉपी कर लो। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर इसके बाद सेकेंड लॉ होने के बाद स्टॉप करेंगे, राइट डाउन नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ आया क्यों, देखो फर्स्ट लॉ थोड़ा फेल हुआ इसलिए सेकेंड लॉ आया, तो पहले क्या देखते कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्यों फेल हुआ हमें देखना है, फर्स्ट लॉ क्यों फेल होता है हमें चेक करना है। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ देखो क्यों फेल हुआ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फर्स्ट लॉ यहाँ पे फेल हो गया, फर्स्ट लॉ यहाँ पे बोल नहीं पाया कि हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी क्यों फ्लो होता है, इसलिए सेकेंड लॉ यहाँ पे आया। इसका सेकेंड लिमिटेशन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, फेल्स टू एक्सप्लेन the naturally occurring reactions, वो कैसे रहेंगे spontaneous, fails to explain the naturally occurring reactions are spontaneous process, तो ये spontaneous process के बारे में नहीं बोल पाया, तो इसके दो drawback थे, इन दो drawbacks को cover करने के लिए आता है आपका second law, second law बिल्कुल simple है, second law बिल्कुल simple है, second law बोलते हैं entropy के बारे में। अब मैं यहाँ पे सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट देता हूँ, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, अब देखो सेकेंड लॉ ने क्या बोला, स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, बिल्कुल सिंपल लॉ है। पहला स्टेटमेंट देखो ये क्या बोलता है, इसने बोला कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। जैसे हमें पता है एक नल होता है ना, सबके घर पे नल है, यहां से पानी आता है, पानी आ रहा है, पानी नीचे छोड़ दिया मैंने, वेस्ट कर दिया पानी, कहाँ पे चला गया पानी, चला गया गटर में या नाली में चला गया ना, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो नल से पानी आ रहा है उसको हम लोग नाली में बहा रहे हैं, मतलब एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं उस पानी का, क्या कर रहे हैं एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। जो पहले नल से पानी आता था उसका सर्फेस एरिया छोटा था, जब वो पानी नाली में बहेगा तो उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा ना, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया। देखो नल में जो पानी उसमें उसका सर्फेस एरिया छोटा है, बिल्कुल छोटा सा, बट वो पानी अगर समझ लो नाली में चला गया तो उस पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, साइज बढ़ गया मतलब आपका एंट्रोपी बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि हमेशा जो भी नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस होता है उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है, एंट्रोपी क्या करेगा हमेशा बढ़ता रहेगा। तो स्टेटमेंट बताता हूं मैं यहाँ पे, सेकेंड लॉ देखो और क्या बोलता है, मैं एक एंट्रोपी का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लोग हैंड रब करते हैं, चलो करो सब लोग हैंड रब करो, जैसे हम हैंड रब करते हैं ना, हैंड रब करने के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है क्या बताओ, होता है कि नहीं होता है, हैंड रब करने के बाद वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, करेक्ट,
जब हीट प्रोड्यूस हुआ तो उस हीट को पकड़ के मुझे वर्क में कन्वर्ट करके बताओ, पॉसिबल है क्या? जब हम हैंड रब करते हैं वहां से हीट रिलीज होता है, उस हीट को रिलीज कर, रिलीज जो हीट हुआ उसको पकड़ के वर्क में कन्वर्ट करो, पॉसिबल है क्या? ये है पॉसिबल? हैंड रब करने के बाद जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ उस हीट को पकड़ के हम वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वो क्या हो गया आपका? एंट्रोपी। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। As a result of spontaneous process, as a result of spontaneous process, कोई भी process अगर spontaneous होता है तो उसका entropy continuously बढ़ते जाता है। उसका entropy क्या होता है? Continuously बढ़ते जाता है। इसने second statement दिया, all spontaneous processes are irreversible, all spontaneous process are irreversible, all spontaneous process are irreversible। ये सेकेंड लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट था। बस और दो तीन मिनट में ये दो तीन स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉप ही करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट आपका ये है, हीट कैन नॉट फ्लो, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम colder body to hotter body, from colder body to hotter body। तो हीट आपका कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ट्रांसमिट और फ्लो नहीं हो पाएगा। ये इसका नेक्स्ट था स्टेटमेंट। तो ये बोलता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फोर्थ आता है इसका स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to obtain work, to obtain work by cooling a body below its temperature। मान के चलो कोई बॉडी का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगी, अगर मैं उसका टेम्परेचर 27 से 20 कर दू तो बॉडी वर्क कर ही नहीं पाएगी। वो बॉडी वर्क कर पाएगी क्या? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे ओल्ड, जो भी ओल्ड मैन होता है, ओल्ड पर्सन होता है, और हम लोग जैसे जो आप यंग लोग और एक ओल्ड पर्सन है, कौन ज्यादा वर्क कर पाएगा? ऑब्वियस यंग। जैसे आपने एक्स अमाउंट ऑफ फूड खा लिया, उस ओल्ड पर्सन ने भी एक्स अमाउंट ऑफ फूड खा लिया, आप ज्यादा वर्क कर पाओगे कि वो ओल्ड पर्सन? आप ही ज्यादा वर्क कर पाओगे ना। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी का अगर मैं टेम्परेचर उससे बिलो लेता हो तो उसका वर्क डन करने का कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। यही बोलता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ने क्या बोला है? एंट्रोपी के बारे में बोला है। तो सेकंड लॉ ने फिर ये कंक्लूजन कर दिया कि एंट्रोपी पे आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। अब देखो कैसे। तो इसने क्या बोला था, डेल्टा एस टोटल, टोटल का मतलब यूनिवर्स, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या रहेगा आपका? सराउंडिंग। सराउंडिंग अगर डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? स्पॉन्टेनियस। नाउ नेक्स्ट, अब ये और इसने क्या बोला, अगर डेल्टा एस टोटल is less than zero, मतलब negative, तो आपका reaction क्या रहेगा? non spontaneous, non spontaneous। और एक इसने बोला कि अगर delta s total zero रहेगा, delta s total is equals to zero, तो इसने बोला कि आपका reaction क्या रहेगा? equilibrium state में, reaction is in equilibrium state, मतलब reversible होगा। equilibrium state मतलब आपका reaction क्या होगा? reversible। okay, तो ये था आपका second law of thermodynamic एंड एंट्रोपी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इंजन का हीट कैपेसिटी। तो ये पढ़ने के बाद आपका थर्मोडायनेमिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्मोडायनेमिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्मोडायनेमिक कंप्लीट होगा। तो इसके नोट्स बना लो, इसका वीडियो आपको, जिनका भी थोड़ा बहुत मिस हुआ होगा तो इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो। इसके नोट्स बनाओ और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कुछ खत्म करने के बाद मैं एक न्यूमेरिकल पे एक दो क्वेश्चन, एक दो लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ओके, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। चलो आज के लिए स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं ट्यूसडे को। ओके, थैंक यू।